नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपको बताएंगे हम जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। हमने आपको बताया हुआ था कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के द्वारा आपने प्रतिबिंब बनना सीखा है, जिसमें आपकी छह स्थितियां थी। ठीक, आज आप सीखेंगे कि जो उत्तल दर्पण आपका होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब होता है उसके बनने का तरीका क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक उत्तल दर्पण का बनाएंगे चित्र। तो उत्तल दर्पण का चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका चित्र हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है कि इसके धसे हुए दर्पण संलयोजी है और उभरा हुआ जो तल होता है वो आपका होता है परावर्तक। ठीक है, और इसमें पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर आपका होता है ध्रुव, यहाँ पे आपका होता है मुख्य फोकस, और यहाँ पे आपका होता है वक्रता केंद्र। ठीक, अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं इसमें, जब हम ठीक इसमें लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक उस समय क्या होता है, यहां पे हम एक वस्तु रखते हैं, ये आपकी वस्तु रहेगी और वस्तु की किरणें यहां पर चलती हैं और टकरा के पीछे लौटती हैं, ये वहां से चलती हैं और ये किरणें टकरा करके वापस वापस आती हैं। लेकिन इसमें आपको बात क्या लगती है, इसमें आपको ध्यान ये चीज रखनी होती है कि जो किरणें आपकी वापस चढ़ा के नहीं आती है। ठीक, लेकिन इसमें सिस्टम क्या होता है, इसमें ये बात होती है कि ये किरणें यहां पर आभासी रूप से मिलती है। ठीक है, तो यहां पर इसको दिखाई दे ऐसे, तो ये किरणें जहां पर आभासी रूप से मिल रही हैं तो यहीं पर इनका क्या होता है, यहां पर इनका जो होता है प्रतिबिंब बनके तैयार हो जाता है। ठीक, देखिए इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है कि सबसे पहले आप बनाएंगे उत्तल दर्पण का चित्र। ठीक, उसमें उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनने का तरीका होता है, उसमें आपकी होती है दो स्थितियां, एक आपकी होती है अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर रखी है ठीक, तो वहां से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, तो ये टकरा के वापस होती हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो आपकी कलई होती है वहां से इसमें दर्पण है, इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा। लेकिन ये दोनों किरणें जो आपकी चल रही हैं मुख्य के समांतर, ठीक, ये दोनों किरणें मुख्य फोकस पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, तो आपका क्या होता है, इसे बोलते हैं मुख्य फोकस, और यही पर जहां पे ये मिलती हुई प्रतीत होती है यहीं पर इनका एक प्रतिबिंब बन जाता है, जिसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो अब क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति। तो अब आपको यह पता करना है कि प्रतिबिंब की स्थितियां क्या होंगी, तो इसमें क्या करेंगे, नंबर वन, अब हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कि जो प्रतिबिंब है ये कहां पर बना है, ये प्रतिबिंब कहां बना है, तो आप कहोगे एफ पर बना, देखना आप लोग कहां बना है, एफ पर, या फिर इसको कह सकते हैं मुख्य फोकस पर बना। ठीक, तो अब क्या करेंगे, तो इसमें ध्यान दीजिए, तो यहां चलते हैं कि F पर पॉइंट नंबर वन क्या हो जाएगा, कहां बना आपके जो प्रतिबिंब F पर बना है। नंबर दो, उसका आकार कैसा है, तो आपको पता है कि जो आपका वस्तु अनंत पर रखी होती है तो जो प्रतिबिंब होता है वह अधिक छोटा बनता है, कैसे बनता है, अधिक छोटा, या उसे कह सकते हैं बिंदुकार, यानी जिस प्रकार से बिंदु होता है तो यहां पर पॉइंट ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो इसे हम बिंदुकार आकार का भी कह सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि अधिक छोटा
अधिक छोटा छोटा। और नंबर तीन, ये जो आपका प्रतिबिंब होगा ये होता है आभासी और सीधा, ठीक, क्योंकि ये आप देखिए मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, ये डैश डैश मतलब क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तविक नहीं है, ये आपका आभासी रूप में है, तो इसको ले सकते हैं नंबर तीन, आभासी आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और जब वस्तु कहां पे आके रखी है, अनंत पर रखी है, तो इसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो यहां आप इसको इंफिनिटी लिखाने वालेंगे, तो यहां से दो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और टकरा करके वापस होती है, लेकिन ये जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर इनका जो आपका प्रतिबिंब होता है वो बनके तैयार होता है, और जो प्रतिबिंब आपका होता है वो F पर बनता है, और इसका जो आपका साइज होता है वो होता है अत्यंत छोटा, या इसको हम कह सकते हैं कि यह आपका होता है बिंदु आकार का। दूसरी बात जो आपका नंबर तीन बात थी वो आपका है कि ये आपका वास्तविक होता है कि आभासी होता है, ठीक, तो ये आपका बनता है आभासी, ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा।